everyone. I'm very happy to inaugurate this project, Art Journey of Abstracts, which is done by Hina Bhatt Art Ventures. So I wish you all participants who are taking part in this event. I'm an abstract artist. I'm a colorist, as you might know. And I think that colors have so much strength. उसमें इतना power है कि हमें जो कुछ भी express करना है, हमें emotions या जो भी है, वो कर सकता है. उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है हमेशा कि figure की ज़रूरत है. Color, lines अपने आप में बहुत होता है सामने वाले को कुछ दिखाने के लिए. सिर्फ इतना ही है कि हमें रिसेप्टिव होना चाहिए. अगर हम पहले से कुछ सोच के जाएंगे दिमाग में कि ये ऐसे ही होगा या वैसे ही होगा, तो फिर बहुत मुश्किल होती है समझने में. इफ़ यू गो विद ओपन माइंड एंड इफ़ यू ट्राई टू कम्युनिकेट विद दिस कलर्स एंड लाइन, आई कैन टेल यू दैट दे हैव सो मच टू टेल यू. और कभी कभी लोगों को लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है वो बहुत ईजी है या आसानी से. लेट मी टेल यू समथिंग कि ईजी कुछ भी नहीं है. जो भी चीज़ आप अच्छे से करना चाहते हैं, चाहे वो फिगरेटिव है चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है, आपको उसमें अपने आप को पूरा डुबाना पड़ता है और तभी उसमें से कुछ निकलता है. और एक चीज़ और है कि बिफोर यू डू एब्स्ट्रैक्ट और यू ट्राई योर हैंड ऑन लाइन्स एंड कलर्स, आपको रियलिस्टिक की मास्टरी होनी पड़ती है. तभी आप इसमें सक्सीड हो सकते हैं, इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं. नहीं तो जस्ट अगर आप सोचेंगे कि हम इसको करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये शायद कुछ आसान है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. मैंने सोचा आपको बता दूं, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है. आई स्टार्टेड माय करियर इन पूना. आई हैड माय फर्स्ट शो इन पूना इन बालगंधर्व आर्ट गैलरी 1978. मैं इतनी कॉलेज स्टूडेंट थी एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे जब किसी ने कहा कि ज़्यादा कुछ बोलो अपने शो पे, एंड आई वॉज सो इमोशनल, आई डिडंट नो व्हाट टू से. आई थिंक आई जस्ट स्टार्टेड टू क्राई एंड ओनली थिंग वॉज इन माई माइंड कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, क्या बनूंगी, कैसे बनूंगी, उसका आगे क्या होगा. आई हैड नन ऑफ दीज थॉट्स इन माई माइंड. द ओनली थिंग विच आई वॉज लाइक श्योर कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत लगन से जो भी कर रही हूँ वो करना है. उसके बाद में फिर जो होगा सो देखा जाएगा. एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट हैज़ हेल्प्ड मी कि मैं रिजल्ट क्या होगा वो सोचने की जगह आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि मैं कैसे मेहनत करूँ, मैं और क्या सीखूँ, मैं और क्या एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ. सो दैट वॉज वेरी हेल्पफुल टू मी. यस, और एक चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. मुझे ऐसे लगता है कि जो फर्स्ट अप्रोच आर्ट से या पेंटिंग से या क्रिएटिविटी से होना चाहिए, इट्स लाइक लव. या तो आप उसके साथ कनेक्ट होते हो, यू फील इट और यू डोंट. सो बिकॉज इफ़ यू डोंट फील इट तो कितना भी समझ के या समझा के कुछ तो भी अधूरा रह जाता है. बट इफ़ यू फील इट एंड इफ यू व्हाट यू से यू गेट अट्रैक्टेड टू इट और यू फील इट और यू फील सम कनेक्शन, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप है इट्स अंडरस्टैंडिंग. और अगर आप समझना चाहते हैं तो है. अदरवाइज टू फील समथिंग आई थिंक इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग. या और उसके साथ में एक चीज़ और कहूँगी, नेवर गिव अप, बिकॉज हार्ड वर्क और जो भी लगन से हम करते हैं उसका हमें रिजल्ट ज़रूर मिलता है. बी स्ट्रॉन्ग, वर्क हार्ड, लगन से लगे रहो, यू विल डेफिनेटली अचीव. थैंक यू. Gandhian family, so we've been always, they let us do what we wanted. My personal journey, which is with the form of Ganpati, and I think that Ganpati form is one of the most creative forms I have come across.
So he is my friend, he's my companion, and I've been working with this form, sketching, drawing, etching, collaging, mixed media, sculpture for myself. So how has travel proved to be fruitful in your case? Yeah, I went to Paris last year. I stayed there for 1.5 years. I worked in École de Beaux-Arts, which you know is supposed to be the best art school in the world. And let me tell you, when first time I entered in the art school, it's so beautiful. I still remember I arrived in a Gare du Nord station in Paris on the 22nd of October 1988, and Mr. Raza was standing there at the station to receive me. Wow. Yes. I found my language and my vocabulary in Paris, where I really started to work. Start painting, I let my subconscious mind take over. Then it just comes.